है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैसेज रिंगटोन को कैसे बंद करें। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब नीचे आना है। तो जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड या नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन साउंड दिए रहते हैं, आप चाहें तो पहले वाले को बदल कर किसी दूसरे को लगा सकते हैं, मतलब कि जो पहले से है रिंगटोन सेट है नोटिफिकेशन का वो हट जाएगा और एक दूसरा लग जाएगा, जो आपको पसंद आए वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके सेट हो जाएगा और इस पर क्लिक करके आप इसे सुन भी सकते हैं। तो जो आपको पसंद आए आप उसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक कर देंगे तो जो रिंगटोन रहेगी नोटिफिकेशन की वो बंद हो जाएगी। और अब हम बैक आते हैं तो देखिए बंद हो चुकी है। इस तरीके से आप बंद भी कर सकते हैं और चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, इतना करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे तो देखिए जो फ़ोन की लॉक स्क्रीन वाली बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, रीबूट नाम से भी हो सकता है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।